So welcome once again on my this next video on income determination, and this video I have taken a new question that based on the multiplier concept, investment multiplier concept also. So ये थोड़ा सा अलग है पिछले वीडियो से और ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। तो हम आते हैं इस क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में। हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है, इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मेरा क्वेश्चन है, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज एस इज इक्वल टू -200, ओके। सेविंग इज इक्वल -200 प्लस 0.25 y, ये हमारा सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। सो व्हेन इनकम इज ₹2000, जब इनकम 2000 रुपये हो जाए, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है आई एट इक्विलिब्रियम लेवल। एंड दूसरा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब सी बार। हमको ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, सी बार। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जब सी बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम क्या का लेवल क्या होगा, जीरो। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, इनकम लेवल जीरो। तो और तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये हमको तीन चीज़ें निकालें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आई क्या है, ठीक है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंड एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है एक है और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहले बात क्या है, हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है एस इक्वल टू -200 प्लस 0.25 y, हमने उसको ले लिया एस इक्वल टू -200 प्लस 0.25 y, और इसके बाद इनकम लेवल दिया हुआ है एट इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज ₹2000। तो इनकम ने 2000 दिया हुआ है, आई निकालना है, सी बार निकालना है और के निकालना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने इसको लिखा एस इक्वल टू -200 प्लस 0.25 × 2000 किया, क्योंकि इनकम का वैल्यू यहाँ दिया हुआ तो उसको मैंने पुट कर दिया। तो हमारे जो पास वैल्यू आता है वो एस इक्वल टू 3 आता है। सेविंग कितना आता है, 3। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस है वो AD इज इक्वल टू ES है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और इससे निकल के आता है आई इज इक्वल टू एस का कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट का, चूँकि इकोनॉमी क्या है लिखा हुआ, पहले इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमने जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो एस इज इक्वल टू आई होगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट इक्विलिब्रियम लेवल आई इज इक्वल टू एस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू 300। ये 300 हमारा आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, इनकम कंजम्पशन वेयर इनकम इज जीरो, वाई जीरो होगा। तो हमने इस इक्वेशन में एस इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 y में हमने वाई की वैल्यू जीरो कर दी, क्योंकि जब हमारा जो हम यहाँ कर लेते हैं, यही हमारा क्या है, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये जो हमने मान के ना, दिस इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये जो कंजम्पशन है वो तो जीरो लेवल पर क्या है, जीरो लेवल। और इनकम यहाँ इस लाइन पर होती है, इनकम इनकम और आउटपुट इस पर लेते हैं हम आउटपुट, और हम सी बार हाँ एम टी सी सब ये हम इस पर लेते हैं। तो ये सी बार हमारा है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई ए। तो सी बार हमारा जीरो लेवल पर हमारा कंजम्पशन क्या है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल इनकम पर हमारी जो कंजम्पशन है, वॉट एवर द कंजम्पशन इज एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इसलिए हमने यहाँ जीरो पुट कर दिया। अब ये -200 प्लस 0 = -200। अब ये एस देखिए हमने यहाँ दिखाया है, एस की कर्व कैसे निकाल दिया करते हैं। तो ये हमारा सी बार पॉजिटिव साइड में होता है, सी का इक्वेशन सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन देखिए यहाँ पॉजिटिव में है। और फिर जो हम जब सेविंग कर्व निकालते हैं, पहले बताया हुआ, जब हम सेविंग कर्व निकालते हैं तो हम वाई से निकालते हैं, तो वाई और सी के साथ करते हैं, तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस होगा। तो एस क्या होगा, निगेटिव साइड से स्टार्ट होगा, तो हमारा ये माइनस सी बार इज नथिंग बट अ डिस सेविंग, माइनस सी बार इज नथिंग बट अ डिस सेविंग, ठीक है, क्योंकि जीरो लेवल पर इनकम हमारे कुछ नहीं है, उस समय भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। तो वाई माइनस सी जब हम करेंगे, हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, वाई माइनस सी जब हम करेंगे तो ये एस आएगा, तो जीरो लेवल जीरो माइनस सी इज इक्वल टू एस,
तो माइनस सी जो आया कंजम्पशन एस, ये हमारा डिस सेविंग है, यही हमारा डिस सेविंग है, माइनस सी बार रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने माइनस सी बार इज इक्वल टू डिस सेविंग इज इक्वल टू माइनस 200, सो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन तो हमेशा प्लस में ही होगा, तो कंजम्पशन क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अगले पॉइंट नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कि उसका फार्मूला होता है इस में, जो फार्मूला हमारा है मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, उससे तो यहाँ पर हमारा जो एमपीएस दिया हुआ है, हमको ये भी ध्यान देना होगा क्वेश्चन करते समय कि क्या क्या दिए हुए हैं। एक ही फार्मूला जो है, फार्मूले के दो तीन रूप हैं या टू और थ्री फार्मूलाज, जिसे मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर से एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू वन, अब कहीं ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू वन, तो जो कंपोनेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसके अनुसार हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने ये देखा कि हमको जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कई फॉर्मूले हैं, के इक्वल टू वन बाय वन माइनस एम पी सी भी है, के इक्वल टू वन बाय एम पी एस भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एम पी एस दिया हुआ था डायरेक्ट। हाँ, तो हमने क्या किया, के इज इक्वल टू 1 बाय एम पी एस कर दिया और 1 बाय 0.25 किया और इसके टू 100 बाय 25 इसके टू 4, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या निकल के आया, 4। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट निकल गया, के इज इक्वल टू 4 निकल के आ गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 200 हो गया, ये सेविंग हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एस इक्वल टू वाई, तो ये हमारा हो गया। तो हमारी ये जो चीज़ें थी वो तीनों चीज़ें हमारी मिल गई और हमारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट लिखें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं और अच्छा काम कर सकूं। तब तक के लिए विदा, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।